अनएक्सपेक्टेड है, मतलब भाई देख सकते हो, मतलब ये तो और दिन है, मतलब अब देखो झूलते रहो, लोग कैसे झूल रहे देखो, मतलब इनबिलीवेबल। आदिवासी से गला मिल रहा है, पता नहीं जिंदगी में फिर मिलेगा नहीं मिलेगा आदिवासी लोग से, तो आदिवासी से जाके गला देखो हाथ मिला रहा है, लगता है भगाने में, सबको भगाने में। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम राजगीर के नेचर सफारी को विजिट करते हुए, और नेचर सफारी को मतलब थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और नेचर सफारी मतलब जो भी चीज़ है उसके अंदर ग्लास ब्रिज, स्पेंसर ब्रिज, मतलब सबका इंटरटेनमेंट मतलब करने वाले हैं हम अभी। और चलते हैं सबसे पहले अभी गाड़ी, मतलब यहाँ से मतलब बाई बस जाना पड़ता है, जो कि मेरे बाहर बहुत से बस लगे हुए, इस बस से जाना पड़ता है, मतलब अप्रॉक्स 6 या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और नंबर भी इतने सारे लगे हुए, इतने ज़्यादा नंबर लगे हुए कि क्या बताऊँ मैं आपको। अब इस नंबर में मुझे भी खड़ा होने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा भीड़ नेचर सफारी पर रहता है, मतलब एक व्हीकल्स में 24 लोग ही कैरी होते हैं, और एक व्हीकल्स में जाते हैं फिर दूसरे व्हीकल्स आते हैं, भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। सबसे ज़्यादा रश वाला एरिया अभी यही बन चुका है, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा कम रेट है, और उसका थोड़ा सा 250 है, इसका 150 था, तो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा क्राउड है, और एक व्हीकल पर 24 लोग ही कैरी होंगे, तो 24 मल्टीप्लाई करते हैं भाई 200 लोग हैं, मतलब कब मेरी नंबर आएगी पता नहीं मुझे। अंदर एंट्री करने के बाद फिर से यहाँ पे एक टिकट कटती है, फिर से 150 का टिकट है, जो कि ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज है, और लिस्ट भी पूरे लगे हुए हैं, फिर और भी टिकट, सब टिकट अंदर लेते जाइए, फिर से अंदर एंट्री करते जाइए। अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं, बस ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का फिर से टिकट लगा है मुझे, और हम अंदर एंट्री करते हैं। जस्ट सामने मेरे ग्लास ब्रिज है, जो कि हम इसमें सबसे पहले चढ़ेंगे, उसके बगल में सस्पेंशन ब्रिज, दोनों का एंजॉय करते हैं फिर बताते हैं। रास्ते में चलते चलते यहाँ पे फिर टिकट चेक होंगे, टिकट चेक होने के बाद फिर से एंट्री करोगे। ये जो गेट दिख रहे हैं आपको, ये गेट खुलते हैं VIP लोगों के लिए, जिनके लिए पैदल नहीं चलने की ज़रूरत है, बस वो साइड गाड़ी से आएंगे और सेंट्री टैग पहुँच जाएंगे, तो उनके लिए एकदम VIP रास्ता ही है। हम लोग के लिए पैदल चलना है, उन लोगों के लिए बस VIP रास्ते हैं। तो चलिए इस ग्लास ब्रिज का मज़ा लेते हैं धीरे धीरे। ये थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, एकदम हवा वाली फील, वाह, यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा है सच में, रियली। पता ये नहीं चलता कि 800 में इतना भीड़ क्यों होता है, मतलब इतना क्राउड क्यों होते हैं, जो कि वहाँ पे लगातार जब लोग जा ही रहे हैं तो इतना क्राउडनेस कैसे होता है, मतलब अब देखो एकदम लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ पे। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान देना, पहले फ़ोन के नेटवर्क ही जैम हो जाता है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम बिंदास रहो, इस भीड़ का मजा लो, और पता भी नहीं चले कब समय कहाँ जाने वाला है, और ये मतलब समय में कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि नेटवर्क रहेंगे ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, एकदम बिंदास से भीड़ का मजा लेते रहो और चलते रहो ऊपर की तरफ। लाइन में जाकर खड़े हो जाए, आप लोग कहीं से दो लाइन नहीं लगाएंगे, अन्यथा एंट्री वहां से बंद कर दी जाएगी और आपको पीछे लाइन में लगा दिया जाएगा। फाइनली यहां पे टिकट छोड़ से बस चेकआउट होंगे, चेक इन होंगे, जो भी चेक इन होंगे टिकट, और इसके बाद ग्लास ब्रिज के लिए आप एंट्री करने लगोगे, थोड़ा सा स्लो वाले एरिया मिलेंगे आपको, धीरे धीरे एंट्री करने हैं, एकदम मस्त धीरे धीरे एंट्री करते जाओ, वाओ अनएक्सपेक्टेड वाली फीलिंग अभी से ही आ रही है, पता नहीं बस 2-3 मिनट ही उस पर चढ़ने दिया जाता है, और वो 2-3 मिनट का मजा है ना सब नहीं दे सकता है, मतलब अनबिलीवेबल। उसके बाद सबसे पहले आपको देखिए ग्लास, मतलब ग्लास का ही सीढ़ी मिलेगा, वाओ सो नाइस, मतलब कांच पे चलो भाई, कांच की सीढ़ी पे चढ़ते रहो, वाओ सो इमेजिन, कांच की सीढ़ी पे चढ़ते रहो, ये मजा ना, मतलब वाओ सच में रियली इमेजिन है यार, चढ़ते रहो फिर सीढ़ी पे चढ़ते फिर मिल जाएंगे आपको ग्लास ब्रिज, बस जो ग्लास ब्रिज का मतलब कुछ देर से नहीं, 2-3 घंटों से इंतजार था, मुझे तो लग रहा है अभी नीचे गड्ढा है, नीचे पैर जाने वाला है, अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि नीचे गड्ढा है, अब नीचे पैर जाने वाला है, बस नीचे गिरने वाले हैं, मतलब ऐसा फील आ रहा है थोड़ा। बस इस ग्लास ब्रिज का थोड़ा मजा लेते रहो और अंदर एंट्री करते रहो, मतलब नीचे देखोगे तो डर भी लगेगा, इसलिए मैं ऊपर देखे जा रहा हूँ, नीचे देखने में बहुत डर लगते हैं, वो उधर का नहीं आ रहा था, मतलब सच में इमेजिन है ये पहाड़, ये मतलब ये सब हरी वाली, मतलब देखो ना एकदम मस्त, बहुत अच्छा इंटरफेस है, मुझे लगता है वही है वो, मतलब क्या बोलते थे सस्पेंशन ब्रिज, मुझे लग रहा है वही है सस्पेंशन ब्रिज, पता नहीं उससे डर भी लगेगा क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है उसके साथ, वही है सस्पेंशन ब्रिज, और ये डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है ना, मतलब एकदम बीच एनवायरनमेंट में जब आओगे ना आप, थोड़ा सा लगता है मतलब डर टाइप का भी लगेगा आपको, और चारों तरफ मतलब पहाड़ी पहाड़ जब दिखेगा ना तो अच्छा वाला एटमोसफेयर दिखेंगे आपको, और यहाँ पे मतलब कितने मिनट रुकने दिया जाता है एक पर्सन को, दो मिनट का ही मतलब यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आप, 2 मिनट मतलब उसके ज़्यादा हुआ निकलो सबसे पहले, मतलब 2 मिनट के लिए होल्ड करो, बिंदास रहो, ये पहाड़ों का मजा ले लो थोड़ा सा, एकदम मस्त वाला मजा है, ये मस्त वाला इंटरफेस है, अरे भाई भाई कैंटीना लगा हुआ है, वाह सो नाइस, कितनी अच्छी बात है ये सब, वाह, मतलब यहाँ का कुछ भी इंटरफेस देखो ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ये मौसम
चलिए जो बोलो भाई सब कुछ कम है, बोलते जाओ। इसको पकड़ अनएक्सपेक्टेड जगह ये, और अनएक्सपेक्टेड मतलब सच में एक इमेजिन है अपने लिए, बहुत अच्छा बना ये। अब देखोगे नीचे मतलब सेफ्टी का तो पूरा अच्छा ख्याल रखा गया है, सेफ्टी का पूरा अच्छा, बैठने से ज़्यादा वेट होता है बाबू, बैठो मत, ये सेफ्टी का अच्छे से ख्याल रखा गया। मतलब नीचे देखो ना, नीचे का मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। आप बताइए मुझे, सबसे पहले मुझे आपसे ही पूछना है, मतलब हम लोग तो 2 मिनट के लिए मुझे उतार देते हैं, आप मतलब इस पे तो 2 महीने भी बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? 2 महीने कहाँ बैठते हैं, मतलब कितने ड्यूटी मिलता है? 6 घंटा। छह घंटा मतलब 2 मिनट समझ ले, एक इंसान के लिए, एक इंसान के लिए 6 मिनट मतलब 6 घंटा और ड्यूटी मतलब 6 घंटे, कितना मजा आता होगा फिर 6 घंटे में? मतलब अनएक्सपेक्टेड वाली फीलिंग होती है आपकी तो? बहुत अच्छा लगता है, लगता है भगाने में, बच्चा सबको भगाने में, आपको भैया भगाने में मजा आता है ना, भगाने में कि चढ़ाने में? भगाते भगाते मतलब गुस्सा आता हूँ। चलिए चलिए मतलब यहाँ पे स्टॉपेज लगा हुआ है, स्टॉपेज लगा हुआ है, यहीं से मतलब फोटो खींच लो, यहाँ रुका, अरे वाह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा पीछे रुके रहो आप, मस्त रुक के बस मजा लो। अब पता नहीं किससे रिकॉर्ड करोगे सबसे पहले, कितने घंटे 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, थकते नहीं आप? ग्लास ब्रिज के बाद शॉर्टकट रास्ता मतलब अंदर अंदर से घुसो, ये सस्पेंशन ब्रिज के पास पहुंचने का मतलब एक मतलब क्या बोलोगे इसको, क्या भाई ये जंगल में मंगल वाला रास्ता ही तो लग रहा है, मतलब बनाया नहीं गया है, लोग चलते चलते रास्ता बना दिए हैं। नहीं ऐसा है क्या, इन ये जो था ना ग्लास ब्रिज में, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ना सस्पेंशन ब्रिज को, और दोनों का पैसा ऐड करके 150 रुपया लिया जा रहा है। पहले अलग था 10 रुपीज उसका ना? हाँ पहले अलग था, एक 125 लग रहा था ग्लास ब्रिज का और 10 रुपीज लग रहा था सस्पेंशन ब्रिज का, अब कंबाइंड करके 150 कर दिया। हाँ तो वही है, ग्लास ब्रिज से उतरिए और इस रास्ते से सीधे क्या जाइए, सस्पेंशन ब्रिज जाइए, और मतलब इंक्लूड कर दिया इसलिए रास्ता भी जोड़ दिया है, नहीं तो पहले रास्ता उतर के फिर उधर से चढ़िए, अभी ये रास्ता दोनों एक दूसरे से ऐड कर दिया है, जंगल में मंगल वाला रास्ता है ये। तब ग्लास ब्रिज पर कैसा लगा आकाश भाई, ग्लास ब्रिज पर कैसा लगा आपको? तूफानी तो कैसा मतलब, कोई फील, कोई एक्स्ट्रा वाला फीलिंग, डर लग रहा था क्या नीचे देखने? दिल वाले ना जाए, कमजोर दिल वाले ना जाइए, सजेशन है ना आप, मतलब ऐसे नीचे देखने में डर लग रहा था ना, लग रहा था ना आगे गड्ढा में पैर पैर जाने वाला, थोड़ा आगे बढ़ने पर ना थोड़ा वो हिल भी रहा था सर, तो, वो शॉकर टाइप का वो देखा मैंने, कोई 2-3 बुजुर्ग लोग थे ना वो थोड़ा सा डर के भी जा रहे थे, तो वही है कमजोर दिल वाले है तो एडवेंचर ये मत करो, ये एडवेंचर है हिम्मत तो निकलो आगे, निकलो आगे। हाँ यही है बस, ग्लास ब्रिज थोड़ा सा मतलब जंप करते हैं सॉकर की तरह, हल्का हल्का मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का जर्क करते हैं, अब थोड़ा सा फील करोगे तो पता चलेंगे, लेकिन अच्छा था कुछ भी कहो, पैसा वसूल था, मतलब वहाँ से व्यू जो दिखते हैं ना बहुत अच्छे व्यू देखते हैं, इसलिए पैसा वसूल था वो। सस्पेंशन ब्रिज बहुत देर से हम लोग को सस्पेंस में रखे हुए था, किधर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और ये इसमें कौन आएगा, इसमें कमजोर दिल वाला आएगा, इसमें तो और नहीं आएगा, ये तो उससे भी ज़्यादा मतलब हिल रहा है, जैसा कि मुझे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट देखो, मतलब ये तो उससे भी ज्यादा हिल रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, ये तो और ज्यादा मतलब अरे भाई, और मतलब ये वाली फीलिंग आ रही है, अरे भाई इसमें तो और वही है, वो तो थोड़ा सा आ रहा था, इसमें तो देखो भाई, ये तो देखो, अरे भाई इसका देखो, इसका मजा तो और अनएक्सपेक्टेड है, मतलब भाई देख सकते हो आप, मतलब ये तो और भी ना मतलब, अब देखो झूलते रहो लोग कैसे झूल रहे देखो, मतलब इनबिलीवेबल है, ये तो और झूल रहा है, पूरी सस्पेंस में ही भरी हुई है कहानी, ये तो सस्पेंशन ब्रिज की, ये सस्पेंशन ब्रिज है भाई, पूरा सस्पेंस में ही दुनिया है भैया, कितना सस्पेंस इस सस्पेंशन ब्रिज पे, भैया डर नहीं लग रहा आपको, बॉडी गार्ड की तरह खड़े हैं आप, हाँ अरे बाप रे बाप, अरे देखिए देखिए डर नहीं लग रहा आपको, ये सस्पेंशन ब्रिज नहीं भैया, ये पूरा सस्पेंस की दुनिया है, ए बताओ कुछ, डर के गए वहीं पे हो अभी तक, आओ 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 पिन पीछे आओ 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 भाई, ये सस्पेंशन ब्रिज का मजा ले लो, आओ आओ आओ, ये वाली आगे जीत है, चलो ए डर लगने लग रहा है, किसको लग रहा है, अरे हम ही हिल रहे ज्यादा आप तो, क्या 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 बोला, बोल तो दिए लेकिन हो नहीं रहा, क्या बोल दिया, इतना ज्यादा हिल रहा है, अरे मतलब डर लग रहा तुमको, मतलब देखो ना बोला ये अभी हम तो थोड़ा देर पहले क्या बोला आकाश, किसी कमजोर दिल वाले नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है इसी का दिल कमजोर, बहुत मजा आने वाला भाई सस्पेंशन ब्रिज पे, पूरा सस्पेंस में रहोगी जिंदगी वाली, पूरी जिंदगी में चलते रहती है सस्पेंशन ब्रिज पे, जरूरी वाह अरे वाह वाह,
देखो अंकल को भी डर लग रहा है। अंकल डर लग रहा है क्या? डर पकड़ के जा रहे बोले मतलब सच में ये बहुत हिलता है भाई, मतलब वो तो कुछ भी नहीं। देखो ग्लास ब्रिज यहाँ से वो भी दिख रहा है, ग्लास ब्रिज देखो वो जो दिख रहा है आपको वहाँ ग्लास ब्रिज है। देखो वो ग्लास ब्रिज मतलब वहीं पर हम लोग गए थे, वहाँ से दिख रहे थे छोटे छोटे जैसे, वो छोटे दिख रहे हैं यहाँ से। मतलब हिलते रहो, हिलते जुलते पहुँच जाओ सस्पेंसर ब्रिज का, सस्पेंस क्लियर करते हुए। हो गया सस्पेंसर ब्रिज खत्म। आखिर में सस्पेंसर ब्रिज के इस पार में है क्या? ये सस्पेंसर ब्रिज को क्रॉस करोगे, इस पार आने का कोई मोटो ही नहीं है, बस इधर इस पार आने के बाद आपको कुछ चीज़ दिखेंगे, जैसे कि आदिवासी लोग दिखेंगे, जैसे पहले के ज़माने में जैसे लोग रहते थे वो वाले लोग सब दिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि देखो जंगल उंगल में जैसे लोग रहते थे तो कहीं कहीं पर आपको इससे पिक्चर दिखेंगे, देखने को मिलेंगे अच्छे से। ये उधर तो नो एंट्री लिखा हुआ है, वहाँ बाघ का पिक्चर दिया हुआ है, मतलब मे बी होंगे उधर। ये आदिवासी लोग का पिक्चर बना हुआ है इधर, कुछ एकदम मस्त वाला पिक्चर। उधर आदिवासी लोग जो सांप पकड़ के खाते होते थे वही सब है, सब आदिवासी लोग का बस इधर पिक्चर है। बस सस्पेंशन ब्रिज को इधर क्रॉस करोगे, बस यही सब कुछ फोटो दिखेंगे आपको, छोटे छोटे मतलब सब टैटू लगे हुए हैं इधर, कुछ घर में भी हैं। रुकिए दिखाता हूँ मैं आपको, यही सब फोटो दिखेंगे आपको सस्पेंशन ब्रिज के जब इस पार आओगे। आपको जब सस्पेंशन ब्रिज के इस पार आओगे तो कुटिया भी मिलेगी आपको। ये कुटिया के अंदर ना मतलब एक बच्चा लिए हुए माँ, एक बच्चे को गोद में ली हुई है, इधर एक माँ बैठी हुई है, मतलब ये सब ना वो उस तरह की तस्वीर लगाई हुई है जिसमें मतलब आदिवासी, मतलब अभी भी आदिवासी लोग का जो भी तस्वीर है ये सब, तो ये सब आदिवासी मतलब भी माँ एक बच्चे को ली हुई गोद में। उधर दौड़ी से कुछ वो नहीं होता, गेहूँ दौड़ने वाला काम हो रहा है, दौड़ी में ईंटा ठोके ला रही है, पत्थर ठोके ला रही है, इधर कपड़ा फटा हुआ पहने हुए ये, इधर पत्थर के कुछ कर रही है, मतलब सब जगह यही दिखेंगे आपको। इधर देखो ये जो दिख रहे हैं सांप, ये सांप जो दिख रहे हैं आपको ये ना मतलब सांप को मतलब खाने वाले लोग सब, सांप पकड़ के जो ले जाते थे वो लोग सब हैं, सब आदिवासी लोग। इधर एक और कुटिया दिखेंगे आपको, मतलब सस्पेंशन ब्रिज को जब क्रॉस करोगे ना आपको, सस्पेंस में तो पूरा क्रॉस कर लोगे, इसके आगे अंदर आने पे यहाँ तो लाइट भी नहीं है, एक बैठने का चेयर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा है बैठने वाला चेयर है। यहाँ भी आदिवासी मतलब बच्चे गोद में लिए हुए हैं, माँ इधर फादर होंगे उनके मे बी, हाँ बस कुटिया में यही सब बना हुआ है यही। और इसके बाहर से देखो ये सस्पेंशन ब्रिज, देखो सच में रियल में कितना हिल रहा है ये सस्पेंशन ब्रिज ना, बहुत हिलता है, मतलब बहुत मजा लेते हुए लोग आते हैं, पता नहीं कितना इंटरटेन होता है इसके आने में। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, जो भी था मतलब नेचर सफारी का जो भी था मैं, वो ग्लास ब्रिज और ये सस्पेंशन ब्रिज, तो मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।